इस वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों के दौरान चावल का निर्यात बढ़कर 5.28 अरब डॉलर का हो गया है, जो कि अप्रैल अक्टूबर 2020 में 4.77 अरब डॉलर का था। इसी तरह ताज़ा फलों और सब्जियों का निर्यात अप्रैल से अक्टूबर 2020-21 के 1.37 अरब डॉलर की तुलना में वर्ष 2021-22 की समान अवधि में बढ़कर 1.53 अरब डॉलर का हो गया है। वहीं मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों का निर्यात 1.97 अरब डॉलर से बढ़कर 2.28 अरब डॉलर हो गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान काजू निर्यात 29.2% बढ़कर 26.52 करोड़ अरब डॉलर का पहुंच गया है। जिन कदमों ने कृषि निर्यात वृद्धि को आगे बढ़ाने में मदद की है, उनमें भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग वाले माल को बढ़ावा देना, परीक्षण की सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरे भारत में 220 प्रयोगशालाओं को मान्यता देना शामिल है। इसके अलावा वैश्विक खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, बाजार विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और मांस प्रसंस्करण संयंत्रों और बूचड़ खानों के पंजीकरण की वित्तीय सहायता योजनाओं ने भी निर्यात को बढ़ावा देने में मदद की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स।